हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें करंट अफेयर्स के भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ जीके जीएस के भी हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। आइए पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदनी छीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना की है? आपको बताना है निम्न में से किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदनी छीरा समृद्ध सहकारी बैंक की स्थापना की है? हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर पंजाब। इसमें से जो सही उत्तर है आपको बताना होगा, इसमें कर्नाटक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? आपको इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या फिर रूस। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है, इजराइल। इजराइल पे इस समय पर हमला हुआ था, आतंकी हमला, आपने देखा होगा, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो क्वेश्चन चांस कम है उससे बनने का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा उस पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी स्मार्च स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्च स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या दिल्ली। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका आंध्र प्रदेश है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शहर ऐसा है जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? इंदौर, विशाखापट्टनम, सूरत या फिर मुंबई। इसमें से जो सही है वो आपको बताना होगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो सी वाला है, सूरत। सूरत जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? आपको बताना है, अप्रैल 2022 में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 14.2%, 10%, 9.2%, 23.5%। तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका वो 9.2% है, इसलिए सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट व डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट व डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका सी वाला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है, 2। 2 जो होगा बिल्कुल सही होगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है? अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है, उत्तर प्रदेश जो होगा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक अटल इनोवेशन मिशन
को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक अटल इनोवेशन मिशन की को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? मार्च 2023 तक, दिसंबर 2023 तक, जून 2024 तक, जनवरी 2026 तक। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा आपका ए वाला होगा, मार्च 2023 तक जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना वर्ष 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया या फिर बांग्लादेश? तो इसका आयोजन जो है वो वेस्टइंडीज में किया गया, इसलिए आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय का नाम बताना है, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर रवीश मल्होत्रा? तो सबसे पहले जो व्यक्ति जो भारतीय थे और अंतरिक्ष में गए थे वो राकेश शर्मा थे, इसलिए पहला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा संगठन और सबसे भिन्न है। तो पहले तो ऑप्शन देख लिया जाए, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, IIS बेंगलुरु। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका डी वाला है, IIS बेंगलुरु जो होगा इस प्रश्न के लिए एकदम सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब जो है एक जान लीजिए, मतलब और सब में ये वाला और सबसे भिन्न है, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान से आप याद रखिएगा ताकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपका गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में है, में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? आपको बताना है निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ ला, स्टैचू ऑफ जीउस? आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होगा बिल्कुल सही होगा। लैन का क्या अर्थ है, लैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, लोकल एंटी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकेशन एक्सेस नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क। इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका बी वाला है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वातावरण, सिनेमा, नृत्य या फिर दवा? तो ये जो है सिनेमा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? 1970, 2010, 1951 या फिर 1982? तो इसमें से सही उत्तर है आपका 1951, इसलिए सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया है? आपको बताना भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कैप्टन या फिर मेजर जनरल? इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका ए वाला है, लेफ्टिनेंट कर्नल। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइफ ऑन माई टर्म्स, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है कि लाइफ ऑफ माई टर्म्स जो है वो किसकी आत्मकथा है? शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर प्रणव मुखर्जी? इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका ए वाला है, शरद पवार जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बाल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बाल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेरिका, चीन, सोवियत संघ या फिर फ्रांस? तो इसमें से जो सही उत्तर है आपका सी वाला है, सोवियत संघ जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का
प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है। दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं या फिर जीपीएस के माध्यम से स्थानों का मानचित्रण। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका ए वाला होगा, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही जीके जीएस और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। धन्यवाद।